अगर आप लोग करंटली कंस्ट्रक्शन कंपनीज के शेयर्स को देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में कंस्ट्रक्शन कंपनीज के शेयर्स काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में आते जा रहे हैं। इसके पीछे का रीजन ये है कि करंटली मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं जिनके पेंडिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं, और जब भी किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के पेंडिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं तब उन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बढ़ती है। क्योंकि मार्केट में एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई कंपनी का प्रोजेक्ट पेंडिंग रह जाता है तो कंपनी का कॉस्ट बढ़ने लगता है। कंपनी को उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जितना एस्टिमेटेड कॉस्ट अज्यूम किया जाता है कॉस्ट उससे ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसी रीजन की वजह से बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स की वैल्यूज बढ़ते जा रही हैं। और जैसे कि आप हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर्स को देख रहे हैं, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को एक साल में 100% के रिटर्न दिए हैं। 365 दिन में आपका पैसा डबल। और इसी चीज को देखकर मार्केट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस कंपनी के फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रांग है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने पर अट्रैक्टिव रिटर्न कमाने को मिलेंगे फ्यूचर में। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल क्या कहते हैं और आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हर एक चीज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के करंट शेयर्स की प्राइस चल रही है 25 रुपीज के आसपास। वहीं पर इस कंपनी के एक दिन के शेयर्स की ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पर कंपनी के शेयर्स ने 5.33% की ग्रोथ दिखाई है। वहीं पर एक हफ्ते की बात की जाए तो एक हफ्ते में इस कंपनी के शेयर्स 19.04% से ग्रो कर चुके हैं। एक महीने में अपने इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के शेयर्स ने 19.90% के रिटर्न दिए हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20% के रिटर्न्स। और वहीं पर एक साल की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि एक साल में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 100% ग्रो कर चुकी है। एक साल पहले इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 12 रुपीज के आसपास थी, लेकिन एक साल बाद इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 25 रुपीज के आसपास हो चुकी हैं। और पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी के शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 107% के रिटर्न दिए हैं। एक साल के कंपैरिजन में 5 साल के रिटर्न थोड़े से कम हैं, लेकिन ये भी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हैं और काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप इस कंपनी के पीई रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का पीई रेशियो 14 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4.92 का है। लेकिन जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू स्टेटमेंट को, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज होता जा रहा है। कंपनी की नेट इनकम देखेंगे तो कंपनी की नेट इनकम लास्ट 2 इयर्स में नेगेटिव में थी, लेकिन 2023 में इस कंपनी की नेट इनकम पॉजिटिव में आ चुकी है 253.2 की। वहीं पर अगर आप लोग ईपीएस को देखेंगे तो पिछले काफी सालों से ईपीएस जो है वो नेगेटिव ट्रेंड कर रहा था, लेकिन अब इस साल कंपनी का जो ईपीएस है वो पॉजिटिव में आ चुका है। कंपनी ने पास्ट में किसी भी प्रकार का डिविडेंड पे नहीं किया है तो यहाँ पर डीपीएस का अमाउंट 0 है। लेकिन 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो यह है कि कंपनी की रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्री के मुकाबले काफी कम है। जहां पर इंडस्ट्री के रेवेन्यू की ग्रोथ 8.3% की है, वहीं पर इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ 2.67% की है। अगर आप कंपनी के मार्केट शेयर को देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इस कंपनी का मार्केट शेयर गिरते ही जा रहा है। पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर था 1.75% का, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर हो चुका है 1.45% का। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग नेट इनकम को देखेंगे तो नेट इनकम का रेशियो इंडस्ट्रीज के मुकाबले ज्यादा है। इंडस्ट्री के नेट इनकम का एवरेज रेशियो निकल कर आता है 10% का, वहीं पर इस कंपनी के नेट इनकम का परसेंटेज निकल कर आता है 26% के आसपास का। अगर आप कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी के बैलेंस शीट में भी आपको सेम ट्रेंड दिखाई देगा। कंपनी की असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं और कंपनी की लायबिलिटी में थोड़ा बहुत डाउनफॉल दिखाई दिया है। लेकिन अगर आप इस कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तो इस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो ज्यादा निकल कर आएगा। जहां पर इंडस्ट्री का एवरेज 175% का है, वहीं पर इस कंपनी का जो एवरेज है वो 346% के आसपास का है। सेकंड चीज, अगर आप करंट रेशियो को भी देखेंगे तो करंट रेशियो भी इंडस्ट्री के मुकाबले काफी कम है। जहां पर इंडस्ट्री का करंट रेशियो का वैल्यूएशन निकल कर आता है 113% का, वहीं पर इस कंपनी का करंट रेशियो का वैल्यूएशन निकल कर आता है 98% का। इसके बाद अगर आप लोग कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस दिखाई देंगे। नेट चेंज इन कैश नेगेटिव में है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का अमाउंट नेगेटिव में है -641 का। अगर आप लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के वैल्यूएशन को देखेंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अकाउंट में 13.82 की वैल्यूएशन है, वहीं पर कंपनी के पास 64 का फ्री कैश फ्लो है। अगर आप कंपनी का पी रेशियो और पीबी रेशियो देखेंगे, कंपनी की वैल्यूएशन चेक करेंगे, तब यहाँ पर पता चलेगा कि कंपनी का पी रेशियो और पीबी रेशियो दोनों इंडस्ट्रीज में जितने भी पीयर कंपनीज हैं उनके मुकाबले कम है। अगर आप टेक्निकल्स में कंपनी के वोलेटिलिटी को देखेंगे तो यहाँ पर करंटली इस कंपनी के शेयर्स ज़्यादा वोलेटाइल हैं अदर कंपनीज के कंपैरिजन में। अब जैसे कि आप यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख सकते हैं, यहाँ पर कंपनी के शेयर्स में प्रमोटर्स ने 18.59% के स्टेक होल्ड किए हैं, म्यूचुअल फंड ने 4.17% के स्टेक होल्ड किए हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने 7.60% के इन्वेस्टमेंट किए हैं, वहीं पर FIIs ने 5.64% का इन्वेस्टमेंट किया है और रिटेल एंड अदर पार्टी के पास 64% तक के शेयर्स हैं। मतलब इस कंपनी के ज्यादातर शेयर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ही हैं, और जिस किसी कंपनी के शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होते हैं उस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकता है।
करता है। करंटली हम लोगों ने मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स को देखा था जहां पर प्रमोटर्स अपनी स्टेक को कम करते जाते हैं और ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो प्रमोटर्स के शेयर्स को बाय करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि एक लेवल तक कंपनी के शेयर्स की प्राइस ऊपर जाती है, लेकिन उस पर्टिकुलर लेवल पर पहुंचने के बाद जब कंपनीज के प्रमोटर्स सेलिंग स्टार्ट करते हैं तब यहां पर उस कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस गिरने लगती हैं। तो ऐसा इस कंपनी के साथ भी हो सकता है, तो करंटली आपको इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर भी लेते हैं तब यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आपको कंपनी के शेयर ज्यादा फ्लक्चुएटिव दिखते हैं, कंपनी के शेयर्स की डाउनफॉल शुरू होती है, तब यहाँ पर आपको अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को सेल भी करना पड़ सकता है। करंटली स्टॉक मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, ऐसी बहुत सारी मल्टीबैगर शेयर्स हैं जो आपको कम वैल्यूएशन पर मिलेंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके आप फ्यूचर में अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी कमा लेंगे। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।